गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब? बढ़िया हैं? ध्यान रखा करो अपना। आपकी तो मैं फर्स्ट क्लास लेने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर। हमारी क्लास के अंदर भी जो हुआ था बेटा, वो कहाँ तक हुआ था? हमने करंट के बारे में डिस्कशन किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद एक दो बच्चे ने पूछा था सर रेजिस्टेंस का टॉपिक करवा देना, तो मैं इसलिए रेजिस्टेंस के बारे में करवाऊंगा, उनके कॉम्बिनेशन के बारे में, उसके रिगार्डिंग ही हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट किसका बता दूं मैं, ओम्स लॉ का। किसका? ओम्स लॉ। ओम कौन थे? साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V किसके लिए होते हैं? वोल्टेज के लिए। I किसके लिए? करंट के लिए। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितनी वोल्टेज उतना करंट। क्लियर है बात? ठीक है। Under certain condition क्या? टेम्परेचर वगैरह की बता रखी थी कि टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, सेम टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो उस कंडीशन में क्या बताया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। एक्चुअली बेटा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, इस चीज का ध्यान रखना। पढ़ लिखते हम क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ। क्या? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, मींस टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, तो हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हमने क्या बोला, R। और ये R हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? V की यूनिट क्या थी, वोल्ट। I की यूनिट क्या थी, एम्पियर। क्लियर है बात? B की यूनिट क्या थी, वोल्ट। I की यूनिट क्या थी, एम्पियर थी। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में किसने बताया, ओम ने। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, उनके ओनर के लिए रेजिस्टेंस की यूनिट का क्या नाम रखा गया, ओम। ऐसा यूनिट क्या, रेजिस्टेंस की, ओम। अगर मैं कहूं कि रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, वी बाय में आई। रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आप क्या बोले, वी बाय आई आ गई। करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा है, इनवर्स का। मींस रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। ये बात समझाती है? ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, तो आप क्या बोलोगे, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। सिंबल क्या होता है यूनिट के लिए, हम ओम का ये साइन यूज करेंगे। क्लियर है? रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होगा, सॉरी जो यूनिट है, यूनिट के लिए हम किसका यूज करेंगे, ओम। ओम का सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करना है। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा रेजिस्टेंस के लिए, ये हम इस लाइन ज़िगज़ैग वाले पाथ का यूज करेंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस का इनिशियल टर्मिनल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल टर्मिनल। ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये किसका सिंबल है, रेजिस्टेंस का। क्लियर है बेटा? ओम्स लॉ पढ़ा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आ गया, आई आर आ गया। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट का ओपोज करना। अगर मैं कहूँ कि करंट की वैल्यू निकालना है यहाँ से I की, तो आप क्या बोलोगे, सर I इज इक्वल टू V बाय में R। ये बात समझ आ रही है आपको कि रेजिस्टेंस होता है क्या, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, विच ओपोजिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो क्या करेगा कि जो चार्ज पार्टिकल है ना, उनके मूवमेंट का रोकेगा, उनके मूवमेंट को रजिस्ट करेगा। रजिस्ट का मतलब होता है क्या, रजिस्ट, रोकना किसी चीज को, किसको रोक रहा है, चार्ज पार्टिकल जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनको रोकना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने करंट का फॉर्मूला क्या बनाया, वी बाय आर, मतलब आर की वैल्यू कम तो करंट ज्यादा, आर की वैल्यू ज्यादा तो करंट की वैल्यू कम। ठीक है, इनवर्स का रिलेशन है, आर ज्यादा करंट कम, आर कम करंट ज्यादा। क्लियर है? इसी रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर, जो आपको पता है हम किसी चीज को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये चीज बोलते हैं, किसके बेस के ऊपर, उनके रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर। क्लियर है? तो ये हमारा किसका, रेजिस्टेंस की यूनिट, ओम। सिंबल ये रहा। ठीक है, इनिशियल टर्मिनल और फाइनल टर्मिनल। क्लियर है? तो मैं इसको कर रहा हूं बेटा रब, क्योंकि हमें किसके बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो मैं रेजिस्टेंस का ही डाउट पूछा था, मेरे को लगा थोड़ा सा ओम्स लॉ का बता दूं, उसके बाद हम पढ़ लेंगे रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं आपसे रेजिस्टेंस, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो टू टाइप से। कितने टाइप से, टू टाइप से, सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितने तरीके से, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल
कॉम्बिनेशन, ठीक है। हम रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट, मतलब रेजिस्टेंस के कितने कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट पढ़ेंगे, टू टाइप से, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज अरेंजमेंट बोलो चाहे पैरेलल अरेंजमेंट बोलो, आपकी बात है, ठीक है, आपके ऊपर है, डिपेंड्स ऑन यू। तो अब हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट इसके। आपका ना 10th क्लास का बेटा एक फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल बने, चाहे कंसेप्ट बने, कुछ भी बने, यहां से बनता जरूर है, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं उसको, हमारा पहला आज का हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। हम पहला अरेंजमेंट कौन सा पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये है बात, सीरीज कॉम्बिनेशन। हम कब बोलेंगे रेजिस्टेंस किसमें अरेंज है, सीरीज में। हम कब बोलेंगे रेजिस्टेंस किसमें अरेंज है, सीरीज में। एक चीज और देखो ध्यान से बेटा, कि रेजिस्टेंस होते क्या है, आपने जो घर में इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिकल, उनमें देखना आपको एक छोटे छोटे सी वायर दिखेंगी, उनके ऊपर ना रेड ग्रीन ब्लू कलर के से ना कलरफुल से आपको दिखाई देंगे, छोटी सी दो टर्मिनल होंगे इनिशियल फाइनल, और बीच में कलरफुल से आपको प्लास्टिक सी नजर आएगी, वही क्या होता है रेजिस्टेंस होते हैं, जिनका काम क्या होता है ओपोज करने का। भाई ये इंस्ट्रूमेंट ना सेंसिटिव है, इसमें करंट कम जाना चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे उसे पहले रेजिस्टेंस लगा देंगे। भाई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है साउंड का या कैमरे का किसी भी चीज का, यहाँ करंट बहुत कम जाना चाहिए, तो हमने क्या किया उससे पहले क्या लगा दिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट की वैल्यू को कम कर देगा, और जितना करंट चाहिए होगा डिजायर करंट उसमें से पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, फाइनल टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस। मैं बना के दिखा देता हूं, हम तीन रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं यहां पे, कितने, थ्री रेजिस्टेंस। हमने सर्किट वगैरह पढ़े थे क्लास के अंदर, आपको ध्यान होगा, ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो आ गया रेजिस्टेंस फर्स्ट, ये रेजिस्टेंस सेकंड, ये रेजिस्टेंस थर्ड, क्लियर है बात, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये फर्स्ट का इनिशियल, ये फर्स्ट का एंडिंग फाइनल टर्मिनल, सेकंड का इनिशियल, सेकंड का फाइनल, थर्ड का इनिशियल, थर्ड का फाइनल, क्लियर है बात। हम किसकी बात करने लग रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात करने लग रहे हैं। उस केस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये हमारे पास कौन सा है, आर वन का इनिशियल टर्मिनल, आर वन का फाइनल टर्मिनल, आर टू का इनिशियल टर्मिनल, आर टू का फाइनल टर्मिनल, आर थ्री का इनिशियल टर्मिनल, आर थ्री का फाइनल टर्मिनल। कहने का मतलब जो आर वन का फाइनल है वो आर टू का इनिशियल है, जो आर टू का इनिशियल है फाइनल है वो आर थ्री के लिए इनिशियल है। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज अरेंजमेंट। कहने का दोबारा सुनो, क्या आप डेफिनेशन बोलोगे, क्या बोलोगे, व्हेन द फाइनल टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द इनिशियल टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस एंड फाइनल टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द इनिशियल टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ आई ये बात क्या, कि पहले का फाइनल सेकंड के इनिशियल के साथ कनेक्ट हो, सेकंड का फाइनल थर्ड के इनिशियल के साथ कनेक्ट हो, तो उस टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने क्या करा, तीन रेजिस्टेंस लगा दिए, तो आप क्या बोलोगे, सर कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एनर्जी का सोर्स। एनर्जी का सोर्स होता क्या है, आपको पता है जो हमारे पास क्या होती है, बैटरी सेल, ये सारे के सारे क्या एनर्जी का सोर्स है। यहां हमने क्या लगा दी, की लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बना दिया, आपकी मर्जी है मीटर वोल्ट मीटर, जो आपको बताया था कि वोल्ट मीटर हमेशा किसमें कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में, और एमीटर हमेशा किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज, और एमीटर क्या करते हैं, करंट के लिए, क्लियर है बात, ठीक है। वो भी लगाना चाहो तो लगा लेना, क्योंकि अभी तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताने लग रहा हूं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब सपोज करना है आपको, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल 220, नेगेटिव कितना, जो लोअर पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा है दोनों के बीच में, 220 का आ गया, ध्यान है ना वो चीज, ठीक है ना, जो मैं आपको बताता था कि घरों के अंदर ये 3-pin सॉकेट है, इसका मतलब एक में कितनी है, 220 वोल्ट है, दूसरे में कितना है, 0 वोल्ट है। जब हम यहां पे अपना चार्जर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां भागते हैं, 220 से 0 की तरफ, अंदर भी कंप्लीट होता है सर्किट, ध्यान है ना आपको, ठीक है, वो एग्जांपल याद रखने आपको। अब मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 220 आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, क्लियर है, कर दिया हमने इसको कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनसाइड दी सोर्स क्या बताई थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन ध्यान होगी ना आपको, ठीक है। अब हम बात करने लग रहे हैं किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की।
सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अब आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास एक तो है वोल्टेज और दूसरा है करंट, एक है वोल्टेज दूसरा है करंट। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या करेगी, चेंज वोल्टेज क्या होगी, वैरी होगी, ठीक है, और करंट की वैल्यू क्या रहेगी थ्रू आउट द सर्किट, चेंज होगी, सॉरी सेम। करंट कैसा रहेगा थ्रू आउट द सर्किट, सेम रहेगा, और जो वोल्टेज है वो क्या करेगी, वैरी करेगी। वोल्टेज क्या करेगी, वैरी करेगी, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां भागने लग रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लग रहे हैं। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 1000 इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, यहां से भी कितने गए, 1000 ही गए, यहां से भी 1000 गए, यहां से भी 1000 गए, यहां से भी 1000, यहां से भी 1000, यहां से 1000। कहने का मतलब क्या है, क्या 1000 इलेक्ट्रॉन के पास क्या कोई दूसरा रास्ता था जाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, नहीं था, एक ही रास्ता था। और करंट का फॉर्मूला होता क्या है, q/t, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, q/t, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय में टाइम, ठीक है। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1000, 1000 बाय में कितनी देर में, एक सेकंड में। दोबारा इस क्रॉस सेक्शन में से भी एक सेकंड में हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1000। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से भी हमने देखा 1000 इलेक्ट्रॉन गए एक सेकंड में। यहां से भी कितने गए, 1000 इलेक्ट्रॉन गए चार्ज बाय में कितनी देर में, 1 सेकंड में। यहां से भी हर जगह से, इसका मतलब q/t कैसा है, जब पॉइंट के ऊपर सेम, इसका मतलब किसकी वैल्यू सेम है, करंट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट की वैल्यू कैसी रहती है, क्लियर है, याद रखना। और किसकी वैल्यू चेंज होगी, वोल्टेज की वैल्यू, किसकी वैल्यू चेंज होगी, वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना लू बेटा, क्योंकि बोर्ड इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमने क्या किया, आपको समझ आ गया ये कंसेप्ट, या हमारे पास क्या है, मैं दो ही रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, जितने भी हो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये क्या आ गया, सोर्स आ गया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, R1 R2 सेकेंड रेजिस्टेंस। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो चीज क्या है, सबसे मेन, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर किसकी वैल्यू चेंज होने लग रही है, वोल्टेज की वैल्यू, किसकी वैल्यू सेम है, करंट की, करंट की वैल्यू सेम क्यों है, ये समझ आता है, ठीक है। अब देखो, जब यहां से हम गए तो आपको पता है ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, V is equal to IR, ये हमारे पास क्या, एनर्जी का सोर्स, और ये कौन है, एनर्जी को यूटिलाइज करने वाले, क्लियर है बात, ये क्या हमारे पास एनर्जी देने वाला, और ये कौन है, एनर्जी को यूटिलाइज करने वाले, क्लियर है बात। सपोज करो, मैं आपको कह दूं कि सपोज करना खाली, यहां हमने 100 जूल एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी, 100 जूल, क्लियर है बात, ठीक है। तो उस केस में हमने एनर्जी दी, सोर्स है, यहां फर्स्ट वाला कैसा था, ये कैसा था, हैवी था, उस केस में इसने कितनी एनर्जी यूज कर ली, 80, तो ये कितनी यूज करेगा, 20। मेरा कहने का सिर्फ मतलब क्या है कि बेटा ये है एनर्जी देने वाला, और ये कौन है, यूज करने वाले, यूज कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू तो इसमें से जितनी है उतनी इसमें से, थ्रू आउट द सर्किट कैसा होता है, करंट तो सेम होता है, सीरीज केस में, सीरीज के केस में करंट की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। सीरीज की वैल्यू अगर सेम है तो उस केस में हमें किसकी वैल्यू देखनी है, वी की। सीरीज के केस में करंट सेम, तो हमें किसकी वैल्यू देखनी है, वोल्टेज, और वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से, फ्रॉम द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पता है, V is equal to IR, ठीक है। अब फर्स्ट रेजिस्टेंस में से वोल्टेज निकालो, फर्स्ट रेजिस्टेंस में से वोल्टेज आप क्या बोले, V1, कितनी वोल्टेज है, V1, फर्स्ट रेजिस्टेंस में से वोल्टेज कितनी, V1, ठीक है। V1 का फॉर्मूला आप क्या बोले, I तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और रेजिस्टेंस कौन सा, R1, सिंपल सी बात है, ये बात समझ आ रही है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस पर भी सिंपल सी बात है, आपकी मम्मी ने कितनी रोटी बनाई है, 20 रोटी बनाई है, ठीक है, एनर्जी सोर्स मम्मी ने रोटी बनाई, और खाने वाला आपका भाई, और आपको आपका भाई जो जिम वगैरह में जाता है, ठीक है, कसरत अखाड़े में जाता है, उस केस में जो 30 रोटी बनी, तो आपका भाई कितनी खा गया, 20 खा गया, दूध भी पी गया, सारे काम कर गया, सारा आदमी सारी खा गया, और आपके लिए कितनी बची, 10 रोटी बची, ठीक है, और आप कितनी यूज करोगे, 10 करोगे, मतलब ये एनर्जी देने वाला और ये एनर्जी को यूज करने वाले, क्लियर है। तो फर्स्ट कितनी एनर्जी को यूज करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी कैपेसिटी के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, क्लियर है, अपने अंदर कितने को रेजिस्ट कर सकता है, कितने को रोक सकता है वो, ठीक है। उसके बाद जब आपकी बारी आई, तो आप में से कितना एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितनी रोटी खाई है आपने, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, V2, करंट की वैल्यू दोबारा कैसी है, सेम, आपका रेजिस्टेंस कितना, R2।
आई होप के समझ आ गया होगा, क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या चीज ध्यान रखने, सबसे मेन चीज तो क्या है, सीरीज में करंट इज सेम, वोल्टेज की वैल्यू चेंज। वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट क्यों है, वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट क्यों है, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस में से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, और सेकंड रेजिस्टेंस में से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2। क्लियर है? आपके भाई में से कितना कितना स्टोरेज हो गया एनर्जी का, ज्यादा, और आप में से कितना कम। रीजन, क्योंकि आपके भाई की कैपेसिटी कैसी थी, ज्यादा, और आपकी कैपेसिटी कैसी है, कम। क्लियर है? उसी चीज को हमने क्या बोला, पोटेंशियल। आगे बस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है? तो अगर मैं कहूं कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकालो, टोटल पोटेंशियल, क्लियर है? तो टोटल वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, तो आप बोले V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2। अगर मैं कहूं भाई टोटल वोल्टेज कितनी थी, टोटल वोल्टेज बताओ V कितनी थी, ये थी ना 50 रोटी थी, 40 रोटी प्लस 10 रोटी, यही तो था। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, टोटल वोल्टेज कैसे निकालोगे, तो आप बोले V1 प्लस में V2, 50 रोटी, 40 रोटी प्लस में 10 रोटी। क्लियर है बात, तो होगी ना 50। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल वोल्टेज कितनी, तो आप क्या बोले V1 प्लस में V2। तो टोटल वोल्टेज है कितनी, तो आप क्या बोले V1, V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2। समझ आ रही, V1 और V2 की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। अगर अब हम कहें V की वैल्यू होती क्या है, V किसके बराबर था, तो आप क्या बोले I into R। I की वैल्यू तो थ्रू आउट द सर्किट कैसी है, सेम। I तो कैसा है, सेम, ठीक है। आई की वैल्यू यहां भी आई थी, यहां आई, यहां आई, यहां आई, आई यहां भी आई। क्लियर है बात, करंट के डायरेक्शन के होते पॉजिटिव टू नेगेटिव, बताया था ना, ध्यान होगा आपको, आउटसाइड भी इनसाइड भी सोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसके बाद करंट तो सेम है, पर पोटेंशियल की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू फर्स्ट में से V1, सेकंड में से V2, ठीक है। तो हमने क्या करा, V का फॉर्मूला किसके बराबर आ गया, IR, I कॉमन ले लेंगे इसमें से, I कॉमन लिया तो कितना आ गया, R1 प्लस में R2। I से I क्या हो गया, कैंसिल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं हम इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, R1 प्लस में R2 के बराबर। क्लियर है बात, तो हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मैं आपको कह दूं बेटा कि तीसरा थर्ड रेजिस्टेंस और ऐड कर दूंगा, तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे, प्लस में R3। अगर मैं कह दूं यहां फोर्थ और कर दूंगा, तो आप क्या बताओगे, R4 और हो जाएगा। ये उतार लो पहले बेटा, क्या करा है ध्यान से देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपने लिख ली, जो मैंने बताया था कि फर्स्ट का फाइनल, सेकंड का इनिशियल होगा, सेकंड का फाइनल, थर्ड का इनिशियल होगा। उसके बाद हमने क्या देखा, करंट की वैल्यू कैसी रहेगी थ्रू आउट द सर्किट, सेम रहेगी। जो वैल्यू चेंज होगी वो किसकी है, वोल्टेज की, पता है ना। सर्किट के अंदर दो चीजें होती है, एक तो एनर्जी देने वाला और दूसरा उसको यूटिलाइज करने वाले। यूटिलाइज करने वाला किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कितना यूज करने लग रहा है, वो चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस के ऊपर। इन केस ऑफ सीरीज, क्यों, क्योंकि सीरीज में आई की वैल्यू तो कैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो पहले में कितना ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल वोल्टेज कितनी ड्रॉप हुई, और सेकंड में कितनी ड्रॉप हुई, ओम्स लॉ से हमने निकाल लिया। अब टोटल वोल्टेज कितनी थी, टोटल वोल्टेज, टोटल सप्लाई कितनी थी, आप बोले V1 प्लस में V2 थी। तो हमने वैल्यू निकाल ली और फाइनल रिजल्ट निकाल लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं कर रहा हूं बेटा इसको रफ, ठीक है, इसको ना पॉज करके फिर लिख लेना सारा का सारा। अब कितने भी रेजिस्टेंस हो, आपको क्या चीज ध्यान रखनी है बेटा, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस, ये थर्ड रेजिस्टेंस, और ये कितने हैं, फाइनल रेजिस्टेंस। शुरू वाला किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और लास्ट वाला किससे होगा, नेगेटिव टर्मिनल से। ये कौन सा रेजिस्टेंस, फर्स्ट, ये कैसा सेकंड, ये कैसा थर्ड, और ये कौन सा nth। हम सारे के सारे किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा, पांचवा, हजार बल्ब, कहां देखा आपने, जो दिवाली के ऊपर आप लेके आते हो लड़ियां, क्लियर है, डेकोरेशन के लिए घर के बाहर लगी हो। अब क्या देखते हो, एक बल्ब खराब हो गया, वायर टूट गई, तो पीछे वाले सारे के सारे बल्ब बंद हो जाते, सारी पूरी की पूरी लाइट क्या होगी, बंद होगी। क्लियर है बात, क्योंकि आपको पता ना करंट को तो क्लोज लूप चाहिए, ठीक है ना। तो इस केस में आप क्या चीज देखते हो, ये कॉम्बिनेशन आपने कहां देखा है, कि जो आप डेकोरेशन के लिए लड़ी वगैरह लगाते हो ना घरों के ऊपर, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं कह दूं कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है, सेम, ये भी कितने का है, 2 ओम का, ये भी कितने का है, 2 ओम का, ये भी कितने का है, 2 ओम का, ये भी कितने का है, 2 ओम। मेरा कहने का मतलब 50 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, nth, nth का मतलब कौन सा है, 50वां रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। और सबका रेजिस्टेंस कितना है, सेम है, सबका रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो उस केस में अगर मैं कहूं, इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताऊं,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या बोलोगे सर, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड अप टू आर एन, ठीक है, अप टू आर एन, क्लियर है बात। अगर मैं कह दूं कि ये जो है R1 किसके बराबर है, R2 किसके बराबर है, Rn is equal to R, कि जितने भी रजिस्टर है सबकी वैल्यू कैसी है, सेम है, क्लियर है बात। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर, R R R R R, सबकी जगह R लिखूंगा मैं, सबकी जगह R लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, N into में R। ये कंडीशन कब की बन गई बेटा, जब सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे होंगे, सेम होंगे। किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। मैं कह दूं क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, क्या बताना आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना आपको, हमारे पास 50 रेजिस्टेंस हैं और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, सब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है, कितनी है, 2 ओम है। तो आप क्या बोलोगे, निकाल देंगे इक्विवेलेंट पूरी लड़ी का कितना रेजिस्टेंस होगा, तो आप क्या बोलोगे, निकाल देंगे आराम से, कैसे निकाला आपने, एन एन कितने बोले हैं मैंने, 50 रेजिस्टेंस है और एक का कितना है, 2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 100 ओम आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये कंसेप्ट समझ आता है। ध्यान रखना बेटा ये फॉर्मूला तो कब है, जब सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे होंगे, सेम होंगे, जब हम क्या यूज करेंगे, एन आर। अगर सेम नहीं होंगे, कोई 2 का कोई 3 का कोई 5 का, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज कर लेना, क्लियर है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट किसका आ गया बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन का। सबसे मेन चीज दो है, एक तो इसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है, जो वैल्यू चेंज होती है वो किसकी है, वोल्टेज की, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, कितने भी रेजिस्टेंस ऐड कर रखे हो और अगर सब के सब सेम है तो ये फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ आपका। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो किसके ऊपर बनाऊंगा, आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, जो आपका काम मिल रहा है ना वो अपनी फ्रेंड नोटबुक में करना, जो क्वेरी हो बच्चे पूछ भी लेते हैं आप भी पूछ लेना, ठीक है। कोई ना डाउट वगैरह, कोई न्यूमेरिकल में किसी कंसेप्ट में कुछ किसी में भी कोई दिक्कत आ रही तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अपना सेफ रहा करो, घर रहा करो। ओके बेटा, बाय।